स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ लगातार जनता के लिए बड़े वादे करते नजर आ रहे हैं, या यूं कहें कि कांग्रेस अपना वचन पत्र तैयार कर रही है। एक कार्यक्रम के दौरान कमलनाथ ने ऐलान किया कि एमपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो पुरानी पेंशन और किसानों की कर्ज माफी को बहाल किया जाएगा। यहां पूरा कमलनाथ के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि 15 महीने में एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया, इसे ही सफेद झूठ कहते हैं। कमलनाथ ने बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं दिया। सारंग ने तंज कसते हुए कहा कि अब कहीं कांग्रेस की सरकार नहीं आने वाली है। कांग्रेस बीजेपी ने क्या कुछ आगे कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। पुरानी पेंशन योजना में आप कांग्रेस की भावना समझते हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तो स्वाभाविक है कि जो बाकी कांग्रेस स्टेट्स में लागू हुआ है तो मध्य प्रदेश में भी लागू होगा। ये कोई नहीं रोक सकता। पूरा विश्वास है कि आप सबने अगर अपनी कमर ठान ली, कोई नहीं रोक सकता। आगे आने वाले समय में कांग्रेस का झंडा आपकी बहुत सारी मांगे हैं, पेंशन उसमें जाना नहीं चाहता, आप जानते हैं। मैं इन सबसे बैठ के अपने घोषणा पत्र में, वचन पत्र में लाऊंगा, पर अगर आप सबने कमर ठान ली, कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 15 महीने में आपने एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया। मुझे आश्चर्य है कि आदमी झूठ भी बोलता है, और शायद इसी को सफेद झूठ कहा जाता है। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, एक किसान का 2 लाख का कर्जा माफ हुआ हो तो कमलनाथ जी जो बोलेंगे वो हम हारने को तैयार हैं। उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देंगे। एक युवा बता दीजिए कि कांग्रेस की सरकार ने उसको बेरोजगारी भत्ता दिया। संबल योजना बंद, लाडली लक्ष्मी योजना बंद, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के पैसे नहीं दिए। भ्रष्टाचार के आखंट में डूबी हुई कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को डिरेल कर दिया। तो वहीं इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता ब्रिजेश जैन। उनसे जाना चाहेंगे। ब्रिजेश, जिस तरीके से अब ये देखने को मिल रहा है, क्या पूरी जानकारी है आपके पास ब्रिजेश? बिल्कुल सोनाली, देखिए कमलनाथ ने कल ये प्रॉमिस किया है शिक्षकों को कि मध्य प्रदेश में जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो लागू की जाएगी अगर कांग्रेस की सरकार अगले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में आती है तो। दरअसल कमलनाथ लगातार ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं, लगातार उन्होंने युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की है, किसानों के लिए कर्ज माफी स्कीम को दोबारा शुरू करने की घोषणा वे पहले ही कर चुके हैं। एक और कार्यक्रम में संविदा शिक्षकों को और संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने की जो मांग लगातार कर्मचारियों की थी, उनके साथ धरना प्रदर्शन में शामिल होकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने भी उनसे ये प्रॉमिस किया था कि हम आपको परमानेंट करेंगे। कुल मिलाकर लगातार जो कांग्रेस है वो ऐसे सरकारी कर्मचारियों को और जनता के, जैसे युवा बेरोजगार हैं, उनको लगातार प्रलोभन दे रही है, लगातार उनसे वादे किए जा रहे हैं। और कहा यही जा रहा है सोनाली, क्योंकि अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में एक कह सकते हैं कि अपना जो घोषणा पत्र है कांग्रेस ने उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। तमाम घोषणाएं पेपर की बजाय इस बार सड़कों से शुरू हुई हैं और एक के बाद एक कई प्रॉमिस जनता के अलग अलग वर्गों से कांग्रेस द्वारा इसी तरह किए जा रहे हैं। जी ब्रिजेश, जिस तरीके से ये भी तंज कसता हुआ नजर आ रहा है कि अब कांग्रेस ने जो है किसी को भी कोई सुविधा नहीं दी, साथ ही साथ जो पेंशन को लेकर के भी उन्होंने कर्ज माफ नहीं किया है, किसानों को लेकर के कर्ज माफ नहीं किया गया है, तो ये एक बड़ा बयान देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें सोनाली, तो राहुल गांधी भोपाल में प्रचार पर आए थे और मध्य प्रदेश में एक रैली में उन्होंने 10 दिन के भीतर पूरे किसानों को कर्ज माफ करने का प्रॉमिस किया था। हालांकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की कांग्रेस सरकार 15 महीने तक रही, लेकिन इस दौरान भी सारे किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए, सिर्फ 50,000 तक ही लिस्ट पहुंच पाई। जिन किसानों के कर्ज माफ हुए उनकी संख्या काफी कम है, जिनके माफ होने थे, जैसे बड़े कर्जदार थे वो पेंडिंग रह गए और सत्ता परिवर्तन मध्य प्रदेश में हो गया। इसी को लेकर लगातार आरोप कांग्रेस
कांग्रेस पर लगाए जाते हैं कि उन्होंने कर्ज माफी योजना में धांधली की है, साथ में कर्ज माफ नहीं किया है, किसानों को छला है, बेरोजगारों को 2000 रुपए मासिक भत्ता देने की बात कही गई थी कांग्रेस के पिछले घोषणा पत्र में, वो पूरी नहीं हुई है। और यही बात विश्वास सारंग से लेकर बीजेपी के तमाम लीडर्स कह रहे हैं कि कांग्रेस झूठे वादे करती है, और इसीलिए जो कह सकते हैं कि अगले चुनाव के घोषणा पत्र की सियासत है वो अभी से एक साल पहले ही मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है। जी ब्रिजेश, जिस तरीके से सारंग ने जो तंज कसा है और कांग्रेस पर वार किया है, अपने शब्दों को लेकर के वार किया गया है, ये कहा गया है कि कांग्रेस जो है अब कहीं भी आने नहीं वाली है, तो एक बड़ा बयान, बड़ा तंज उन्होंने कसा है, कहते हैं ना कि बड़े बोल उन्होंने बोल दिए हैं, क्या लगता है आने वाले दिनों में? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की जो कमियां रही हैं, जो वर्ग सुविधाओं से वंचित रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो कर्मचारी ज्यादा सुविधाएं मांग रहे थे, सरकार ने फिलहाल उनकी मांगे पूरी नहीं की हैं। ऐसे असंतुष्ट और नाराज लोगों पर निगाहें अब कांग्रेस की हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, आम जनता से जुड़े हुए महंगाई जैसे मुद्दे हो, या बीजेपी के असंतुष्ट नेता हो, इन सबको भुनाने में कांग्रेस लगी हुई है। और कांग्रेस की रणनीति का यह एक अहम हिस्सा है। हालांकि बीजेपी के द्वारा ये लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने पिछले जो वादे किए थे वो 15 महीने की सरकार में पूरे नहीं किए, इसीलिए किसी तरह के इस तरह के प्रलोभन में ना आए, कांग्रेस वादे पूरे नहीं करेगी। लेकिन कांग्रेस ये भरोसा जताने में जुटी हुई है कि वो अगर प्रदेश में आती है सरकार में और पूरा वक्त उसको मिलता है 5 साल का, तो वो तमाम वादे जरूर पूरे करेगी। जी ब्रिजेश, इस तरीके से ये भी खबरें सामने आ रही है कि कमलनाथ ने जो है पेंशन बहाली का बहाली की बात कही है, इस पर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, कल शिक्षक कांग्रेस के, जो कांग्रेस का ही एक संगठन है, उसके अंतर्गत आने वाले, उससे जुड़े हुए तमाम शिक्षक जो है प्रदेश भर से भोपाल पहुंचे थे। उनका प्रांतीय सम्मेलन जो है वो मानस भवन में आयोजित किया गया था, और उसी सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उनसे प्रॉमिस करते हुए घोषणा की है कि पुरानी पेंशन जो है उसको दोबारा से बहाल करके जो तमाम फायदा है वो सभी विभागों के कर्मचारियों को दिया जाएगा। कमलनाथ इसी तरह किसानों के एक कार्यक्रम में भी ऐलान कर चुके हैं कि रुकी हुई कर्ज माफी दोबारा शुरू की जाएगी अगर कांग्रेस प्रदेश में आती है तो। जी ब्रिजेश, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।